सो व्हाट्सअप एवरी वन, वेलकम बैक टू अगेन और गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बिकॉज कल रात को हम आते ही सो गए थे, बिकॉज कब पूरा दिन बाइक चलाते चलाते मैं इतना थक गया था कि फिर बाद में मैं एंड ब्लॉग भी नहीं कर पाया, तो इसकी वजह से थोड़ी जल्दी हो चुकी थी मुझे भी, बिकॉज पूरा थक भी गया था मैं। 500 किलोमीटर में फर्स्ट टाइम ऐसी बाइक चला रहा हूँ तो कंटिन्यू, तो मेरे लिए फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था और काफ़ी अच्छा रहा वैसे तो। और वी आर गोइंग चर्च गेट, बिकॉज चर्च गेट से थोड़ा हमें काम भी है और मेरे भाई जो पीछे बैठा उसको घूमना भी है, तो उसको घुमा भी देंगे हम और साथ में हम भी घूम लेंगे और मेरा काम भी ख़त्म हो जाएगा। और दूसरा ये प्लान है कि यहाँ से पहले हम सिद्धिविनायक जाएंगे, फिर सिद्धिविनायक से चर्च गेट, और चर्च गेट में थोड़ा दो तीन काम है मेरे, कैमरे के एसेसरीज और वो सब देखना है मुझे, तो वो भी कर लेंगे। और भाई को शॉपिंग करना है तो भाई को शॉपिंग भी करवा लेंगे। बाय द वे ये काफ़ी सुहाना सफ़र रहा और सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस रहा मेरा इस बार, और मेरा एक ड्रीम राइड था जो मैंने कंप्लीट किया अभी। और अब और कल आती पूरी पहली फर्स्ट हमारी टेडे, अरे यार कल रात ऐसा हुआ कि मेरे जो आगे वाला बाइक था और उसने अचानक से ब्रेक मार दी, तो जो उसका साइड गार्ड आता है वो यहाँ टच हो गया, तो उसकी वजह से ये पूरा जो ये कनेक्शन है वो पूरा टूट गया यहाँ से। और आज कुछ इसका जुगाड़ करना पड़ेगा वरना वापस अहमदाबाद तक जाना हम और विदाउट लाइट वो थोड़ा रिस्की रहेगा। वैसे भी हम नाइट में ड्राइव नहीं करते, बट फिर भी सेफ्टी इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी, सही तो है ऐसे, अब नहीं निकलना चाहिए बस। ओके चलो, अभी माहिम पहुंच चुके हैं और आई थिंक बस आगे ही है थोड़ा, और माहिम से सिद्धिविनायक। अच्छा है कि ट्रैफिक नहीं मिला इतना ज़्यादा बिकॉज ऑफ दिवाली है शायद, तो उसकी वजह से काफ़ी लोग घूमने भी गए होंगे। सो थोड़ा प्लान में चेंज है, अभी हम आ चुके हैं माहिम में, और माहिम में यहाँ से दरगाह, मतलब दरगाह यहाँ पर माहिम की दरगाह यहीं पास में, बट अभी हम दरगाह नहीं जा रहे, हम यहाँ आए सीलिंग को देखने। एज यू कैन सी ऑन माय बैक साइड पीछे सीलिंग है, तो काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि सीलिंग भी देखना है मुझे यहाँ से माहिम से, तो वो भी हो चुका है मेरा ये काम। और आगे सिद्धिविनायक अभी बस थोड़ी देर में हम वहाँ जाएंगे, और बाकी आगे का जो भी प्लान होगा मैं अपडेट देता रहूँगा। बाकी यहाँ पर जो सीन है बहुत एक नंबर है, वो सबसे जो यहाँ बेस्ट व्यू मिलता है वो है माहिम, और तो मैं माहिम इसीलिए स्पेशल यहाँ रुका हूँ इस व्यू के लिए, बस इतना था। अब यहाँ से जाना है अभी सिद्धिविनायक मंदिर, थोड़ा फोटो शूट कर लेते हैं, बाद में हम जाएंगे सिद्धिविनायक। सो हाय ब्रदर, ये मेरा भाई है साथ में जो मेरे साथ आया है अहमदाबाद से, और अब फोटो शूट करके बाद में आपको लोगों को मिलता हूँ डायरेक्ट ब्लॉग पर, मतलब मोटो ब्लॉग पे। माहिम दरगाह गई पीछे और भाई का सिद्धिविनायक। थैंक यू सर। मुझे लगा कुछ ना कुछ लफड़ा होगा, बट सही है, अच्छे थे पुलिस वाले लोग, और अंकल पूछ रहे थे सब के क्या से आ रहे हो क्या है, और ये सब देख के कैमरा देख के तो और थोड़ा शौक में आ गए कि ये है क्या। हाँ सर, हम यूट्यूबर हैं, हर जगह घूमते हैं ऐसे, और ये हमारा पूरा ये ट्रैवलिंग का वीडियो बनाते हैं,
तो बोलते सही है सही है, फिर सब ये कागजात मांगे और हम बोले कि ठीक है जाने दो। सही थे, अच्छे थे, कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं कि कुछ हैरान परेशान कर रहे ऐसा कुछ था नहीं, बट अच्छा लगा इन लोगों से मिल के भी। और मुझे तो डाउट था कि नहीं कहीं पकड़ेंगे तो सही, बिकॉज ये जीजे की गाड़ी है गुजरात की और कहीं ट्रैवलिंग करते हैं एसी सिटी में तो काफ़ी लोग ऐसे जो परेशान करते हैं, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं लकीली और अच्छा रहा, एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा पहली बार। और वैसे तो हम मास्क तो सब पहनते ही है तो उसकी वजह से भी कुछ ऐसा टेंशन था नहीं कि सर बोलेंगे भाई मास्क कहाँ है ये कहाँ है, तो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। एनीवेज अभी सिद्धिविनायक आ चुका है, शायद सामने ही है या थोड़ा आगे है इससे, नहीं आ चुका है वैसे तो थोड़े ही मतलब दिख रहा है इसमें। सो फाइनली सिद्धिविनायक मंदिर आ चुके हैं, पार्किंग कहाँ मिलेगा बट वो बड़ी दिक्कत है। अरे मंदिर बंद है कि जाने नहीं देते, मतलब यहाँ से मतलब टेस्ट करवा के बाद में अंदर। ओके सर बोल रहे यहाँ टेस्ट करवाओ बाद में अंदर आपको एंट्री मिलेगी, बट यहाँ तो नो एंट्री लिखा है, बट कोई नहीं बाहर से दर्शन के लिए थे। गणपति बापा मोरिया, तो ठीक है वैसे तो दर्शन के लिए अंदर तो नहीं जाने दे रहे। अब यहाँ से चर्च गेट, the world is over, when you say you're feeling lonely, if you ever need a shoulder। तो भाई साहब मरीन लाइन्स का सीन हो गया ख़त्म और यहाँ से निकल रहे हैं हम लोग। अब अगला हमारा डेस्टिनेशन है जू बीच, और भाई ने अभी तक जू बीच देखा नहीं तो हम भाई को जू बीच दिखाएंगे, बाद में हम वापस रात को बोरीवली घर पे अपने निकल जाएंगे। और काफ़ी अच्छा लगा उसको भी और मुझे भी, काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद मैं भी आ रहा हूँ मरीन लाइन्स पर, और काफ़ी मतलब इतना रश जो पहले था वो अभी उससे आधा कम है पूरा। और यहाँ विदाउट मास्क आपको बैठने नहीं देंगे और यहाँ पर काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशन काफ़ी बढ़ गए हैं, तो वन साइड तो अच्छा है ऐसे तो, बट थोड़ी थोड़ी दिक्कत रहती है सभी को, क्योंकि जो पहले मतलब पहले जो जैसा माहौल था वैसा अब है नहीं यहाँ पर। लुक एट दिस ब्यूटी मरीन लाइन्स। बाकी सनसेट हो चुका है आधा और आई थिंक मैं सोच रहा हूँ कि अब पूरा वहाँ नहीं जाना जू बीच, थोड़ा प्लान में चेंज करके यहाँ पर वर्ली के पास खड़े रहते हैं, शायद वहीं से ही अच्छा सनसेट का व्यू मिल जाए हमें पलेट से ही। और हाजी अली दरगाह के पास क्या हो रहा है ये सब आई डोंट नो, कुछ काम चल रहा है उसकी वजह से सारा हाजी अली दरगाह भी शायद बंद है आई डोंट नो, बट पूरा यहाँ कुछ रिनोवेट क्या आई थिंक पत्थर डाल रहे ऐसा कुछ लग रहा है मुझे। फिर कितनी है कि जहाँ जाना है उससे पहले एक घंटे दो घंटे पहले निकलना पड़ता है, बट ट्रेन बंद है उसकी वजह से काफ़ी बहुत दिक्कत रहती है। hey, what's up? So cute dog। कुछ काम चल रहा है आई थिंक सी फेस का और इस साइड पूरा व्यू दिख रहा है एज यू कैन सी, और वहाँ पर मुकेश अंबानी की लड़की का घर वहाँ पर, और सनसेट तो देख नहीं पाए बट अभी कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम वापस कल आएंगे और कल का प्लान कुछ और है, तो आज का ब्लॉग तो हम यही ख़त्म करते हैं, तो तब तक के लिए